वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू व्यूवर्स। देखिएगा अब नेक्स्ट कॉलम का हो गया समझो, अब नेक्स्ट जो है एस्केवेट करने का रहता है वर्क। सो एस्केवेट आप कैसे करना चाहिए वो आज आपको मैं बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है कॉलम एक को एक टच नहीं हो रहा है, ओके okay, तो इसका भी मार्किंग करना जरूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है नेक्स्ट स्टेप ये जो ये रहता है ना इसको कॉलम टू कॉलम, तो इसका भी एस्केवेट करना कितना करना और उसके बाद इसका साइज़ कितना रहना वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविलिंग प्लान फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान देखिएगा इसका, देखने में काफ़ी सिंपल लगता है बट जब आप बांधते हैं बहुत खूबसूरत दिखेगा। 30x40 का ये प्लान है एंड 2 feet 6 inch ऑफसेट एरिया, यहाँ पे पैसेज 1 feet 9 inch एंड पीछे की तरफ जो है 3 feet का ऑफसेट दिया गया था और सामने ये प्लान है। अभी जो हम मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसा डाला गया, ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है ये जो कॉलम देख रहे हैं ना आप, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई दीवार नहीं है या फिर कॉलम टू कॉलम टच नहीं है वो मैं आपको फर्स्ट दिखाऊंगा। लेट अस सी, यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट किया गया था इसको हाफ करके, यानी कि दीवार का आउटर फेस। ये कॉलम 9 inch का है, इधर जो है 15 inch का था, सो ये 15 inch को जो है आउटर फेस लिए तो 9 inch आउटर फेस हो जाएगा, वहाँ से हाफ तो ये सेंटर, ये पॉइंट से ऐसे ही पॉइंट जा रहा है ना, इस पॉइंट से क्या है इस तरफ 1 feet खोदना, इस तरफ 1 feet खोदना, यानी कि 2 feet का रहेगा डेप्थ, जो है ऑलमोस्ट यही लेवल पे आ रहा है, ओके। यहाँ पे जो है जो सॉइल है काफ़ी हार्ड स्ट्रैटा है, ओके तो नेसेसरी नहीं है, जैसे कि खेत में जो ज़मीन रहता है उसके हिसाब से उतना डेप्थ में एक्सकेवेट करना कोई नेसेसरी नहीं है। एंड ये जो पॉइंट था इस पॉइंट से यहाँ तक लिया गया, ओके ये आपको एक पॉइंट मिल गया, यानी कि ये वाला पॉइंट, ओके ये कॉलम से लेके इस कॉलम को धागा पकड़े हम वहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक पॉइंट मिल गया, एक लाइन मिल गया, ऐसा मान लीजिए एक लाइन मिल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहता ये कॉलम है ना, इस कॉलम से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो लाइन आप डालें इस कॉलम से यहाँ तक, तो इधर से कितना दूरी पे है वो मेजरमेंट करना, ओके। फिर उसके बाद एक धागा लेके यहाँ तक लेके गए एक पर्सन को, फिर उसके बाद नेक्स्ट वहाँ से यहाँ तक लिया गया पॉइंट को, तो ये पॉइंट को टच हो गया, यहाँ तक अपना काम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहता उस कॉलम से यहाँ तक, यानी कि आपका मेन एंट्रेंस, यहाँ से आपका हॉल में एंटर होते हैं आप, ओके ये जो है ना हॉल के अंदर आप एंटर हो गए, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं था, तो वो आउटर फेस 15 inch का ऐसा दिख रहा है, तो आपका आउटर तरफ आ रहा है, तो वहाँ से 1 feet एस्केवेट किया जाएगा, फिर उधर से 1 feet एस्केवेट, ये सेंटर लाइन है, तो ये लाइन जो है हम डाल दिए, यहाँ से कितना दूरी पे वो हिसाब से इसका ले गया। और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट पाया सब भर्ती होने के बाद प्लिंथ बीम में प्लिंथ लेवल आ जाएगा। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस हाउस, आई होप सो आपको कैसा डालना कैसा नहीं समझ में आया होगा। इधर देखिएगा ये 9 inch का है, तो इधर से 1 feet इधर की 1 feet एस्केवेट किया जाता है, फिर यहाँ पे 15 inch है, तो 15 को बीच में नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे बाहर दीवार कैसा रहा उसके हिसाब से एस्केवेट करना, वो सेंटर पॉइंट से इधर 1 feet इधर 1 feet, तो 1 feet बोले तो वहाँ तक इधर जो है पूरा इस पार आ जाएगा, ओके। ये था कुछ छोटा सा प्लान, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका पूरा फुल आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कीप सपोर्ट मी टू रीच 1 million 10 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव ग्रेट डे।